क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कोई कमी छोड़ दी है किसी मामले में अगर कोई कमी छोड़ दी है नहीं नहीं ऐसा नहीं है बल्कि कमी हमारे अंदर है हमने कमी छोड़ी है हमने कुछ चीज की कमी छोड़ी है वहां पर मेहनत की कमी कर दी जहां हमें मेहनत करनी चाहिए वहां पर वक्त गुजारना कम कर दिया जहां हमें वक्त गुजारना चाहिए था वहां वक्त देना बंद कर दिया जहां हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहिए लोग अपने मसाइल की खूबियों को जो है बुराइयों को छुपा करके खूबियों को निकाल करके लोगों के सामने फैलाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कमी छोड़ दी हमारे हमें अपने बारे में अगर कहा जाए कि बता दो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो ऐसी कुछ खूबियां बता दो पांच दस खूबियां ऐसी बता दो जो दूसरों के अंदर नहीं हो और हम भी उसको लेकर चलने वाले बने कोई जवाब नहीं होगा हमारे पास कि हमने अपने ईमान के सिलसिले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में उन खूबियों को तलाश नहीं किया जैसा लोग कहते हैं वैसा हम भी कहते हैं वे कहते हैं हाँ ये सब अब ये सब नहीं चलेगा तो इंसान बारे में हाँ ये सब नहीं चलेगा अरे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामले के अंदर ये इस तरह से कहते ना इतना आसान काम नहीं है कितनी कुर्बानियों के साथ कितने बड़े कुर्बानी इस दीन के पीछे लगी है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल ने जिस दीन की तारीफ फरमाई है और रब्बुल इज्जत व जलाल ने इस दीन के ऊपर बंदों की कामयाबी का यकीन दिलाया है और वो अगर हमारे सहाबा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अपने कामकाज को लेकर अपने सारी चीजों को लेकर के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करके दिखा दिए तो कुरान करीम के अंदर रब्बुल इज्जत व जलाल ने उन हजरात सहाबा के सिलसिले में कामयाबी का यकीन कुरान करीम के अंदर दिया है कैसे कहते हैं कामयाबी के जो ऐसा ना ऐसा नहीं है जिसने पिछले जुमे में जो इससे पहले जो बताया गया था कि नफसानियत है रहमानियत है ऐसा नहीं है बल्कि हजरात सहाबा ने अपने कामकाज को साथ में लेकर के अपने समाज को साथ में लेकर अपने बीवी बच्चों को पालते हुए अपने घर को अपने माँ बाप को अपनी सारी चीजों को लेकर के सबको लेकर के चलते रहे लेकिन अल्लाह उसके रसूल को नाराज नहीं होने दिया ये समाज हमें इजाजत नहीं देता है ये अब ऐसा करेंगे समाज के खिलाफ हो जाएगा अपना समाज हमें खुद बनाना है अपने मामला खुद हमें तय करते हैं हम ऐसा समाज नहीं ऐसे समाज में नहीं रहना है ये ऐसा लोग समाज बना करके फिर उसके दरमियान में हमको उसके हिसाब से बदला पड़े और उसमें अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला से समझौता करना पड़े ऐसे समाज को दूसरे छोड़ना बेहतर होगा लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझौता नहीं होगा और ये हम बात है सही बात है कि अदना से अदना ईमान वाला अगर उसे इस बात का इकरार करा लिया जाए वो इकरार नहीं करेगा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझौता नहीं करेगा लेकिन कहीं ना कहीं मामला की जहां बात आएगी और जहां इस समाज की बात आएगी और साथ में गैर महसूस तरीके से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बंदा दूर होकर चला जाएगा ये हम नहीं कर सकते ये काम हम नहीं कर सकते और मजहब के लोगों को आपने देखा है कि वो अपने मजाहिब को छोड़कर दूसरे मजाहिब के तरीकों को अपना रहे नहीं एक ईमान वाला ऐसा है जो अपने मामला में गैरों के तरीकों को अपनाता है और उसको फख्र के साथ बोलता है कुरान करीम में फख्र करने की जो चीज बताई गई है उसे अपने ईमान पर फख्र होना चाहिए उसको अपनी खूबियां का पता चलनी चाहिए तेरे ईमान के अंदर खूबी क्या है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां उसे पता होनी चाहिए तब जाकर उसे पता चले कि मैं कितनी खूबियों का हामिल हूँ किस नबी की जेल में अल्लाह ताला ने मुझे उम्मती बनाया है और क्या दीन मैंने अपनाया है क्या दोस्तों ये ईमान के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन में अपनी कामयाबी को बता रहे वो दुनिया के हर दीन से अफजल है उसे ईमान पता होनी चाहिए उन खूबियों का उसे पता होना चाहिए हदीस पाक जो पढ़ी गई है उसमें बताया गया अल ईमान बिस को सरो न शौकत 70 से ज्यादा ईमान के शोबे 70 से ज्यादा ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं
70 का मतलब ये कि 70 या उसके आसपास। दूसरी जगह लिखा है कि बेशुमार है, ये यानी जो है 70 का मतलब ये है कि कुरान इस तरीके से दिया जाता है कि कहीं पर बहुत सारे लोग इस तरह से जमा होते हैं। क्या 56 लोग इस तरह से जमा हो सकते हैं? नहीं, 56 लोग इस तरह से आप ये काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से अक्सरियत को तादाद ज्यादा बताने के लिए ऐसा कहा जाता है। और हकीकी तौर पर हजरत ने मुहदीसी पाक कुर्बान जाए कि 70 से ज्यादा शोरे हदीस पाक में लिखा गया है। हजरत मुहदीसी ने उनको नामजद करके बताया है कि ये चीजें हैं कि मन की खूबियां हैं। रास्ते से तकलीफ की चीज का हटा देना ये भी सदका है और ये भी ईमान का हिस्सा है। ईमान वाला कैसे इस बात का इकरार कर सकता है, उसका दिल कैसे इस बात का गवारा कर सकता है कि रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी है और ईमान वाला वहां से गुजर जाए, उसे बात गवारा नहीं होनी चाहिए कि दूसरा शख्स यहां से गुजरेगा उसे तकलीफ हो। ये ईमान की खूबियां है। केले का छिलका पड़ा हुआ है, पत्थर है जो तकलीफ दे सकता है, किसी के पैर पर ठोकर लग सकती है, और बेशुमार इस तरह की चीजें हैं जो एक अदना सी बात है लेकिन ऐसी बेशुमार चीजें हैं जहां से ईमान ईमान वाला और दूसरे सारे लोग धोखा खा सकते हैं। पिछले जमानों के अंदर ऐसा होता था कि अगर रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज या इस तरह से कोई किसी को तकलीफ दे सकती है या कोई मामला हो सकता है तो दूसरे लोग आग बंद करके भी कह सकते थे यहां से अभी कोई ईमान वाला नहीं गुजरा है, वरना ये तकलीफ देने वाली चीज यहां नहीं होगी। और जो रास्ते साफ सुथरे हुआ करते थे कि जिस रास्तों से गुजरने में किसी को तकलीफ नहीं होगी तो लोग ये कह सकते थे यहां से कोई ईमान वाला गुजरा है, यहां से कोई ईमान वाला गुजरा है। मतलब ये है कि यहां कोई तकलीफ देने वाली चीज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ईमान वालों को ये बात सिखाई जाती है, उनके ईमान का हिस्सा है कि जहां से भी गुजरो तकलीफ देने वाली चीजों को रास्ते से हटा दिया जाए। और अगर यहां पर रही है इसका मतलब ये हुआ यहां से ईमान वाला गुजरा है, उन्हें बात गवारा नहीं है कि यहां से कोई ईमान वाला गुजर जाए और उसको तकलीफ पड़ जाए और ठोकर लग जाए और मुबादा वो गिर जाए और बड़ी परेशानी का शिकार हो जाए, ये उसको गवारा नहीं हो सकता और ईमान वालों को बात सिखाई जाती है। लेकिन मसला कहां है? मसला दोस्तों को ये है कि ईमान वालों को अपनी वो खूबियां जो ईमान के साथ लेकर के चलनी चाहिए, ईमान का जो हिस्सा है वो उसे पकड़ने में उससे वो कोसों दूर है। इसलिए क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजों से वो जो है अपने आप को मुतासिर कर लेता है, क्या उसे मुतासिर होना चाहिए दोस्तों को, क्या होता है वो मुतासिर हो जाता है, क्या होता है मुतासिर हो जाता है। मुतासिर जब अपनी चीजों से वो दूर रहेगा, जिन चीजों का सबक उसे सिखाया जा रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात उसे सिखाना चाहते हैं, ईमान वालों के अंदर जिन खूबियों को देखना चाहते हैं, अगर वो खूबियां उसके अंदर नहीं है, उन चीजों को वक्त नहीं दे रहा है, उन चीजों से वो कोसों दूर है, तो दोस्तों एक बात को हम लोग याद रखें कि हमारा जो गैर है, हमारा जो गैर है वो अपने काम से बेजार नहीं है, वो अपने काम से बेजार नहीं है, वो अपना काम पूरा कर रहा है। अगर हम लोग अपना काम नहीं करेंगे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ों को पूरा नहीं करेंगे तो इस बात को याद रखें हमारा गैर भी सोया हुआ नहीं है, हम सोए हुए हैं, अपने दीन से 200 दूर है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हमारे अंदर होनी चाहिए और जिन खूबियों से हमें आरास्ता होना चाहिए, उन खूबियों से अगर हम दूर हैं तो ये बात रखें गैर अपने खूबियों से दूर नहीं है, गैर भी अपने कामों से दूर नहीं है। जो दूसरे मजाहब के लोग हैं वो लोग अपने कामों से दूर नहीं है, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। फिर क्या होगा? असरात करते हैं, असरात असरात करते हैं। ईमान वालों ने अपना काम तो छोड़ा है तो गैर को अपना काम पूरा कर रहे हैं तो असर कहां आएगा? वो असर हमारे अंदर आएगा। ढके चुके तरीके से यहाँ ये सही नहीं है, लेकिन किसी के सामने बोलने की हिम्मत अभी नहीं हुई, यानी कहीं ना कहीं वो असर आ चुका है।
ढेरों की मेहनत का असर ईमान वालों के अंदर आ चुका है, लेकिन अभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अपने कामों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को अभी भी हमने नहीं देखा, तो फिर क्या हुआ? जब ज्यादा तादाद के अंदर जब वो असरात रत्तल होने लगते हैं, फिर वो बात समाज में आने लगती है। तो बात क्या होगी? जुबान का नहीं कि हाँ ये सही है, ये नहीं मजा आएगा। अब चौथी सदी चल रही है कि क्या होगा? आपने सुना होगा इस तरह के अल्फाज जो अल्लाह और उसके रसूल से अल्लाह और सुन्नत के ऊपर आवाज है, ये उनका कसूर नहीं है, गैरों का कसूर नहीं है, कसूर हमारा अपना है कि जो अल्लाह के रसूल से अल्लाह और सुन्नत हमारी तालीमात से इतने प्यारे हैं, उन तालीमात पर हमने वक्त नहीं दिया, उन खूबियों को अपने अंदर नहीं उतारा, उन खूबियों को तलाश नहीं किया, और खूबियों को जिन्हें जिस तरीके से उस पर चलना चाहिए उस पर अमल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उससे दूर रहे, जिसकी वजह यह हो गई आज ये असबा ये वहां से असरात खत्म होने लगे कि हम तो जिसे जो है कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत जी वल जलाल ने सबसे अहम तरीन दीन बयान करके दिया था, और जो दीन उसकी कामयाबी का साबित बनता अगर वो उसके ऊपर चलता तो दोस्तों ये दीन उसकी कामयाबी का साबित बनता, लेकिन इसने अपनी कामयाबी को नहीं पहचाना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को नहीं पहचाना, और जिंदगी इसी तरह से जीने में उसे तरजीह दी, तो गैरों की मेहनत उसके ऊपर रंग लाने लगी। ये कमा खा करके क्या होगा? रसूल इससे मसला हल नहीं होगा, मसला उससे आगे का है। ये कमाने खाने के बाद क्या किया? जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अमानत छोड़ करके गए थे, जो हमारी कामयाबी का जामिन, जो हमें देते हैं जमानत, जो हमें दीन दे रहा है उस दीन की जमानत का हमने लिए है या नहीं, उस दीन को अपने गले से लगाया है नहीं लगाया है, उस दीन को अपना समझा है नहीं समझा। साथ ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो सबसे बड़ी मोहब्बत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को अपने गले से लगाना, और अपने गले से लगाने के बाद जो है उस दीन को दुनिया के एक एक कोने तक पहुंचाने की कोशिश करना। कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, तो ईमान वालों का बुरा क्यों चाहेंगे? ये दिन हमारे लिए हमारी बुराई के लिए नहीं है, हमें नाकाम बनाने के लिए नहीं है, हमारे खसारे के लिए दिन नहीं है। ज़ाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं कि किसी तरीके से उम्मत जो है जहालत से निकल करके ये जो है बेदारी की तरफ आए, अंधेरों से निकल करके उजाले की तरफ आए, और जिस लोग में भेजा गया हूं तुम लोग जहन्नम के घड़े के किनारे पे होंगे, और साथ ही अल्लाह और रसूल ने तुम्हें उस घड़े के किनारे से और जहन्नम से खींच खींच करके ला करके तुम्हें जन्नत के रास्ते पर ला करके खड़ा किया है। अब ये देख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इतना रोए इतना रोए इतना आंसू बहाए हमारे लिए, खुदा ये सब हमारे मां-बाप ने इतना आंसू नहीं बहाए, इस बात को यकीन करना पड़ेगा। इतनी कुर्बानियां हमारे मां बाप ने नहीं दिए जितनी कुर्बानियां ज़ाते रसूलुल्लाह और सुन्नत लेकर के चले गए, उस मोहब्बत को दोस्तों को समझना पड़ेगा। इसका नाम मोहब्बत नहीं है कि सड़कों के ऊपर या इस तरीके से बात से अदा कर देना, वो बात हमारे दिलों में होनी चाहिए और अमान से बात जाहिर होनी चाहिए। चीजें अपनी अलामतों से पहचानी जाती है, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उसकी अलामत क्या है? जहां अलामत हमसे पूछ ली गई रसूल वहां हमारी जुबान जो कुछ नहीं कहने से जो बिल्कुल चुप हो जाए। क्या हुआ? ये चीजें जब अपनी अलामतों से पहचानी जाती है तो कल कयामत के दिन हमें अपनी अलामतों से पहचाना जाएगा। ज़ाते रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को उन अलामतों से पहचानेंगे, जो दीन हमें लेकर के गए हैं उसी दीन की कसौटी पर हमें जब परखेंगे तो पता चलेगा कितना बड़ा वकील है और कितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है, और ज़ाते रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की लाए शरीयत मुतहरा कितनी इसके अंदर है। इसलिए दोस्तों इस बात को समझना पड़ेगा, बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जिनके सामने जो ये बातें कही जाती थी तो समझते थे कि जब ये ऐसी ही बातें हैं, इनकी मेहनत जो इतनी जरूरी है कि एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल के बाद तीसरी नस्ल, ये जो मस्जिदें दिख रही हैं आपको, ये आसान हो रही है, ये ऐसे नहीं हो रही है,
हम आसानी के साथ कोई हमें रोक टोक नहीं है, मस्जिदों में आकर के अजान हुई आकर नमाज अदा कर लेते हैं, कुरान करीम पढ़ लेते हैं, और जब रोजों के मौके पर रोजे रख लेते हैं, कोई रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये पिछले लोगों की कुर्बानियां, अगर हमने मेहनत नहीं की, अगले आने वाले नस्ल में तो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। और ऐसे ममालिक का मैं आपको हवाला दे सकता हूँ कि किसी जमाने के अंदर वहां इल्म अमल का बोलबाला था, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलबाला था, और दुनिया के सारे लोग वहां पर अपनी इल्मी प्यास बुझाने के लिए जाते थे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को मजबूत करने के लिए जाते थे। वहां के सारे मसाजिद के अंदर और हय्या अलैहिस्सलाम हय्या अलैहिस्सलाम की जो सदाएं लगती थी, और इस तरीके से माहौल मुनव्वर हो जाता था और रोशन हो जाता था, और वहां के ईमान की फिजा में चर्चा दुनिया भर में थे। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने मेहनत नहीं की, अपने जान तक बरकरार रहे, अपने आने वाले नस्लों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं सिखा पाए, और लोगों ने बात जरूरी नहीं समझा कि अपने आने वाले नस्लों को सिखाएं, और अपने आने वाले नस्लों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ों को सिखाया जाए और शरीयत मुतहरा को सिखाया जाए। इस बात को उन्होंने जरूरी नहीं समझा। आज वो दिन आ गया, वहां रोजों पर भी पाबंदी है, नमाजों पर भी पाबंदी है, वहां की मस्जिदें गिरजाओं में तब्दील हो गई है, घंटे बजाए जा रहे हैं, जो कर किसी जमाने के अंदर जो ज्यादा वहां पर हय्या अलैहिस्सलाम हय्या अलैहिस्सलाम सदाओं की गूंज रखती थी, आज वहां पर जो कलीसिया बने हुए हैं वो दोस्तों हम पर जो रहम की जरूरत है, क्या ईमान वाला इन बातों का सबक नहीं सीखेगा तो किससे सीखेगा? स्पेन एक मुल्क है, स्पेन, हिस्पानिया, स्पेन, वो स्पेन किसी जमाने के अंदर अंदलुस का नाम हुआ करता था, उसका नाम क्या था, किसी जमाने में उसका नाम अंदलुस हुआ करता था। और ईमान वालों के अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने अरबी रहमतुल्लाह, इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह से कौन ना वाकिफ है, अल्लामा इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह से हर कोई वाकिफ है, अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह से हर कोई वाकिफ है। और वहां दुनिया जहान के लोग जो वहां पर अपनी इल्मी प्यास को बुझाने जाते थे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला को सीखने के लिए जाते थे, शरीयत मुतहरा को सीखने के लिए जाते थे, और जो मस्जिद कुर्तुबा बनी है, इतनी आलीशान मस्जिद, इतने हजारों सुकून से बनी हुई मस्जिद है, लेकिन दोस्तों आज वो गिरजा के अंदर तब्दील हो गई है, कलीसिया में तब्दील हो गई है, नमाजों पर पाबंदी लगी हुई है। ये सारे क्या मामला है, इससे ईमान वालों को सबक सीखना चाहिए कि अगर हमने ईमान की मेहनत नहीं की, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए शरीयत मुतहरा को अपने गले से नहीं लगाया तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। इसको समझना होगा, ये सारे असरात मुरतब होंगे धीरे 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 धीरे, ईमान वाला ये समझता है सब ठीक नहीं है, ये धीरे धीरे ये अंजाम कहाँ पहुंचेगा, अपने दूसरे मुल्क को हम देख सकते हैं। और ऐसे बेशुमार मालिक भी है जहाँ हजरात सहाबा जब पहुंचे तो उन लोगों ने, वहां के लोगों ने हजरात सहाबा की जो दीन लेकर के आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अमानत थी, वो अमानत जब हजरात सहाबा ने उन लोगों तक पहुंचाया है, तो वहां के लोगों ने हजरत सहाबा का पूरी तरीके से इस्तकबाल किया, और आज जो है जो दीन लेकर के आए थे उस दीन को पूरी तरीके से अपनाया है और 100% दीन पर चल करके दिखाए। इतना ही नहीं बल्कि जिस जुबान को लेकर के आए थे, यानी वो अरबी जुबान को लेकर के आए थे, उस जुबान को अपनी सरकारी जुबान जो है लोगों ने जो है क्या क्या कर दिया, उसको बना दिया, तब यहाँ पूरे मुल्क की जुबान अरबी रहेगी। और ऐसा है अफ्रीका के बेशुमार मालिक ऐसे है जहाँ की जुबान अरबी है, क्या असल जुबान की अरबी नहीं थी, लेकिन हजरात सहाबा वहां पर पहुंचे थे और दीन लेकर के पहुंचे थे, 100% दीन पर चल करके दिखाए, और उसी के साथ साथ हजरात सहाबा जिस जुबान को लेकर के आए थे उन लोगों ने उस जुबान को भी अपना लिया। ऐसा नहीं है जहाँ कामयाबी है वहां भी बेशुमार कामयाबियां है, और जो लोगों ने कदरदारी की तो रब्बुल जलाल ने उनका साथ दिया, हर मौके पर उनका साथ दिया, और जहां के लोगों ने नागरी की, हालांकि वो लोग जो अक्सरियत के अंदर थे, लेकिन नागरी करने के इतबार से उन लोगों ने अपने आने वाले नस्लों को बात नहीं सिखाई, आने वाले नस्लों को दीन की अहमियत को नहीं समझा पाए, हजरत सहाबा की कुर्बानियों के दिलों के अंदर नहीं डाल पाए, तो क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि रब्बुल जलाल ने जिस तरह से वो लोग सारी दुनिया के अंदर
روشن تھے رب نے جل جلال نے انہیں ذلیل کر کے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے, رب جل جلال کسی کا محتاج ہے, ہمیں ضرورت ہے. اس لیے دوستو ہم نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایسی محبت جو ہمیں اعمال کے اوپر کھڑا کر دے, اپنے آپ بچوں کو اپنے سارے لوگوں کو یہ بات دوستوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب کو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو